नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। महंगा पड़ा बयान, सलमान खान के खिलाफ शिकायत। राकपा की महिला शाखा ने नागपुर में चित्रा वाघ के नेतृत्व में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के बलात्कार संबंधी बयान को लेकर उनके खिलाफ सीता बुल्दी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। विपक्षी दल के कार्यकर्ताओं ने शिकायत में कहा कि अभिनेता का बयान अपमानजनक है और उनके खिलाफ महिलाओं का अपमान करने के लिए IPS की प्रासंगिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए। बाद में काले रिबन बांध कर महिलाओं ने प्रदर्शन भी किया। उन्होंने अभिनेता के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किए जाने पर सड़कों पर प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। सलमान ने बयान दिया था कि उनकी फिल्म सुल्तान की शूटिंग इतनी थकाऊ थी कि उन्हें शूटिंग के बाद बलात्कार का शिकार हुई महिला की तरह महसूस हुआ। उमा भारती बोली, उत्तर प्रदेश देश में सबसे असुरक्षित। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने जयपुर में कहा कि उत्तर प्रदेश इस समय हिंदुस्तान का सबसे असुरक्षित राज्य है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के कैराना ने तो प्रदेश के बदसूरत चेहरे की एक झलक दिखाई दी है, अन्यथा उत्तर प्रदेश में कहीं जातिगत कारणों से, कहीं सांप्रदायिक कारणों से, तो कहीं कानून व्यवस्थाओं के कारण लोग पलायन कर रहे हैं। इस समय यूपी हिंदुस्तान के नागरिकों के लिए सबसे असुरक्षित राज्य है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से ज्यादा अगर असुरक्षा है तो वह उत्तर प्रदेश में है। राम वृक्ष की घटना इसका उदाहरण है। सोनिया के दामाद वाड्रा की कंपनी को ईडी का नोटिस। ईडी ने राजस्थान के बीकानेर जिला में एक भूमि सौदे में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के संबंध में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ी एक फर्म को नोटिस जारी किया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मैसर स्काईलाइट हॉस्पिटलिटी फर्म को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के प्रावधानों के तहत नोटिस जारी किया गया। सूत्रों ने बताया कि कंपनी से मामले की जांच अधिकारी को कुछ निश्चित वित्तीय विवरण एवं अन्य दस्तावेज देने को कहा गया है। ईडी ने पिछले महीने राजस्थान और अन्य स्थानों पर इस मामले में गहन तलाशी की थी और कई दस्तावेज मिलने का दावा किया था। यह जांच बीकानेर के कोलायत इलाके में कथित रूप से कंपनी द्वारा 275 बीघा भूमि खरीदे जाने के संबंध में है।